ecosystem and ease of doing business, which will be the key focus for the first Global Tourism Investors Summit. I request Sri G. Kishan Reddy Ji, Honorable Minister for Tourism, Culture and Donor, for the special address. Good afternoon all. Namaskar. On behalf of the Ministry of Tourism, Government of India, I also welcome to this Global Investment Summit on Tourism. Friends, भारत में स्पेशली स्पिरिचुअल टूरिज्म कैसा एक एंकरेजमेंट मिला है आप सब लोगों को देखे. आज भारत में जितने भी डेस्टिनेशंस है, टूरिज्म डेस्टिनेशंस, वो मॉन्यूमेंट हो, नेचर संबंधित बीचेस हो, वाइल्ड लाइफ का सेंचुरीज हो, कुछ लोग न्यूजीलैंड स्विट्जरलैंड जाते हैं नेचर देखने के लिए. मैं नॉर्थ ईस्ट का मिनिस्टर हूं. न्यूजीलैंड स्विट्जरलैंड अफ्रीका से अच्छा हमारा नॉर्थ ईस्ट में, मगर हम उसको ब्रांडिंग नहीं किया है, एक्सप्लोर नहीं किया है. इसलिए जितना टूरिज्म का माहौल भारत में रहना था नहीं हुआ है. मैं कन्विक्शन के साथ ये बात कर रहा हूं, क्योंकि टूरिज्म सरकार से आगे नहीं बढ़ेगा, स्टेट गवर्नमेंट हो सेंट्रल गवर्नमेंट हो. अभी मैं मेरा मिनिस्ट्री का बजट अगर आदरणीय प्रधानमंत्री 1 करोड़ भी दिए तो भी इतना टूरिज्म आगे नहीं बढ़ सकते जब तक प्राइवेट इन्वेस्टर्स नहीं आते. जो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्कीम्स है वो स्कीम्स हम 100% स्टेट गवर्नमेंट को फाइनेंस देते हैं. स्टेट गवर्नमेंट प्लान करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं, ऑपरेशन ऑपरेट करते हैं. आज कोई देश में देखिए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के साथ ही आगे बढ़ते हैं. अभी आपको टूरिज्म का हर सेक्टर में, टूरिज्म का हर एरियास में बनने का एक अच्छे एनवायरनमेंट भारत में है. सबसे पहला कनेक्टिविटी ठीक है. मैं नॉर्थ ईस्ट का फिर बात करना चाहता हूं. लगातार 40 साल से नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंस की ग्रुप्स के कारण जो लगभग 30 दिन 40 दिन चक्का जाम होता था, रोड ब्लॉकेड होता था, आंदोलन होते थे, कर्फ्यू होते थे, फायरिंग होते थे, अब इस 8 साल में नॉर्थ ईस्ट का पूरा सीन बदल गया. देर इज नो हेजिटेशंस, देर इज नो बंद कॉल्स, देर इज नो ब्लॉकेड्स. उसके अलावा पहले क्या काम हुआ, मैं अभी दिस नॉट ए पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म, आई डोंट वांट टू गिव डिटेल्स, बट अभी नेशनल हाईवेज विथ 2 लाख करोड़ हम प्लान किया. अभी तक मोर देन 1 लाख करोड़ वी ऑलरेडी स्पेंड किया है. अभी 1 लाख करोड़ ऑन ग्राउंड पे काम चल रहा है.
नेशनल हाईवेज का है स्थिति है, ट्रेन कनेक्टिविटी, दिस टाइम 122 टनल वर्क्स एट ए टाइम साइमल्टेनियसली ट्रेन कनेक्टिविटी के लिए काम चल रहे हैं। 122 टनल वर्क्स ये समय पे आज भी एयर कनेक्टिविटी, हेली कनेक्टिविटी, वाईफाई कनेक्टिविटी, टेली कनेक्टिविटी, सेल कनेक्टिविटी, इन ऑल एंगल पर हम निर्णय किया है विद इन 500 डेज में हर विलेज को सेल कनेक्टिविटी का, वो हिल एरिया हो, आइसोलेटेड हाउस हो, वो सेल कनेक्टिविटी देने का निर्णय किया है। नॉर्थ ईस्ट का एग्जाम्पल दे रहा हूं, अभी देश में पहले मैं जब 1994 में मैं अमेरिका गया था, मैं जब चर्चा करता था ये रोड्स भारत में कब होगा ऐसा रोड्स, आज मैं विश्वास के साथ गर्व के साथ मैं बता सकता हूं, मैं नॉर्थ ईस्ट में देखा हूं, तमिलनाडु में देखा हूं, हर जगह ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस हाईवेज, हाईवेज एक बढ़िया हाईवेज भारत में। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, दिस इज हाई टाइम फॉर टूरिज्म को, टूरिज्म सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए यह हाई टाइम है, क्योंकि एक अच्छे वातावरण देश में है। इसलिए हम निर्णय किया है, इसमें दो तीन इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है इस ग्लोबल टूरिज्म इन्वेस्टर समिट का। एक तो स्टेट्स के बीच में, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में टूरिज्म सबसे ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट का जो सेगमेंट के अंदर आते हैं, इसलिए एक स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में एक अच्छे हेल्थी कॉम्पिटिशन होना चाहिए। अभी मैं 3-4 स्टेट्स का भी हम महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान का प्रेजेंटेशन देखे, उनका प्रेजेंटेशन देखने के बाद एक स्टेट के बीच में दूसरे स्टेट में एक हेल्थी कॉम्पिटिशन होना चाहिए, होगा। पहले ऐसा नहीं था, इवन नॉर्थ ईस्ट में भी एक स्टेट में क्या हो रहा है दूसरे स्टेट में मालूम नहीं होता, भी चीफ मिनिस्टर्स के बीच में कॉम्पिटिशन है। वही नॉर्थ आसाम है तो मेघालय में क्यों नहीं, मेघालय में तो सिक्किम में क्यों नहीं, ऐसा एक हेल्थी कॉम्पिटिशन स्टेट के बीच में आएंगे अच्छे पॉलिसीज के साथ, इंसेंटिव के साथ वो लोग अपने आपके बीच में आएंगे। वैसे ही स्टेट्स के अंदर भी, अदर स्टेट्स में भी, राजस्थान में अगर इन्वेस्टमेंट है तो मेरा स्टेट में क्यों नहीं, महाराष्ट्र वाला सोचेंगे, महाराष्ट्र वाला इन्वेस्टमेंट है तो क्यों नहीं गुजरात वाला सोचेंगे, गुजरात वाला है तो मेरे पास क्यों नहीं राजस्थान सोचेंगे। ऐसा एक हेल्थी कॉम्पिटिशन लाने के लिए हम प्रयास करें। उसके बीच में जो आज कन्विक्शन के साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स जरूरी है, इसलिए पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आदरणीय मोदी जी के आदेश पर, विजन पर हम ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट करना चाहते हैं। इसके लिए आज हम आपके बीच में आए हैं।